बहुत सारे दोस्तों ने ये कहा है कि सर आप सिर्फ एक्टिंग के बारे में बताते हो, अगर हमें असिस्टेंट डायरेक्टर बनना है तो कुछ उसके लिए भी सर गाइडेंस दीजिए। अच्छा लगा मुझे, नया सब्जेक्ट है, नई बात है कि अगर कोई असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहता हो तो उसका भी मार्गदर्शन होना चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर का मतलब होता है जो डायरेक्टर को असिस्ट करता है, और एक डायरेक्टर के पास बहुत सारे असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं जो डायरेक्टर को असिस्ट करते हैं, और उनके साथ काम करते करते बहुत सारा अनुभव उनको हो जाता है, और एक वक्त आता है जब यही असिस्टेंट डायरेक्टर डायरेक्टर बनते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो डायरेक्टर फिल्मों के या सीरियल्स में जो डायरेक्टर होते हैं, जो डायरेक्शन करते हैं, उन्हें कैप्टन ऑफ द शिप कहा जाता है, मतलब एक जहाज के कप्तान जिनके ऊपर पूरे जहाज के सुरक्षा की और उसको सही जगह पहुंचाने की जिम्मेदारी है। टीम का कैप्टन भी कहा जाता है, एक डायरेक्टर को टीम का कैप्टन भी कहा जाता है, जो जैसे आपके क्रिकेट के टीम के कैप्टन होते हैं, मैच जीत गए तो वाह वाह, मैच हार गए तो भाई उन्हीं के डिसीजन पे सवाल उठते हैं, तो ऐसे डायरेक्टर भी टीम का कैप्टन होता है। अब एक जो डायरेक्टर होता है उनकी क्वालिटी क्या क्या होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब किसी प्रोजेक्ट के लिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर को साइन करता है कि आप मेरे इस टीवी सीरियल को या इस फिल्म को या इस एड को आप डायरेक्ट कर रहे हैं, और जब एक डायरेक्टर किसी प्रोजेक्ट लिए साइन होता है तो सबसे पहले उसकी दो जिम्मेदारियां बनती हैं अपने प्रोड्यूसर के प्रति। पहली तो ये कि प्रोड्यूसर ने किसी प्रोजेक्ट के लिए जो थीम, जो सोच कर डायरेक्टर को साइन किया था कि मुझे ये फिल्म इस तरह की चाहिए या मेरा ये प्रोजेक्ट का जो शेप है वो इस तरह का होना चाहिए, आप इस तरह से इसको बनाइए, तो जो प्रोड्यूसर के दिमाग में एक सोच चल रही है उस सोच के मुताबिक आपको फिल्म बनानी है, बल्कि उससे बेहतर फिल्म बनानी है। और दूसरी बात कि बजट का अपना एक लिमिट होता है, जब प्रोड्यूसर किसी डायरेक्टर को साइन करता है तो उसके दिमाग में ये भी चलता है कि अगर मैंने ये फिल्म एक अमाउंट में सोची है तो उसी अमाउंट में फिल्म बननी चाहिए, ओवर बजट नहीं होनी चाहिए, और कम से कम वेस्टेज ऑफ मनी ना हो, फालतू का बजट ना पड़े, एक डब्बे में ना चली जाए। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो डायरेक्टर की ये होती है वो अपने प्रोड्यूसर के प्रति कि जिस प्रोजेक्ट के उन्होंने साइन किया है उस प्रोजेक्ट को वैसा ही या उससे बेहतर बनाकर देना है जो दर्शकों को पसंद आए, और वो चीज़ बजट के अंदर होनी चाहिए। अब ये तो हो गई प्रोड्यूसर के प्रति डायरेक्टर की जिम्मेदारी। अब जो प्रोजेक्ट है वो सबसे पहले स्क्रिप्ट पे होता है, पेपर पे होता है, कहानी के रूप में होती है। अब राइटर डायरेक्टर को स्टोरी लिखकर दे दिया कि सर ये रही कहानी, ये आपको शूट करना है। अब उस कहानी में, उस कहानी का जो थीम है, उस कहानी का जो मूड है, वो कहानी क्या कहना चाहती है, क्या दिखाना चाहती है, उस कहानी के जो सारे कैरेक्टर्स हैं, किरदार हैं, वो कैसे हैं, वो सारी चीजों को बहुत बारीकी से सोचकर राइटर बहुत बारीकी से, मतलब फिल्म कैसी होनी चाहिए, पर्दे पे फिल्म कैसे दिखनी चाहिए, पर्दे पे आने के पहले वो अपने उस सोच को, अपने उस विचार को, अपने उस सपने को वो पेपर पे लिखता है, स्क्रिप्ट पे लिखता है। पहले वो वन लाइन लिखता है, सबसे पहले तो सिनॉप्सिस लिखता है कि पूरी फिल्म का सिनॉप्सिस क्या होगा, फिर वो पूरे सिनॉप्सिस को सीक्वेंस वाइज बांटता है, एक वन लाइन सीन की स्टोरी बनाता है कि किस तरह से एक एक सीन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, फिर उसको डिटेलिंग करता है सीन वाइज, जिसको स्क्रीन प्ले कहते हैं, और उसके बाद फिर एक एक सीन के अंदर बहुत सारी चीजों
पर्टिकुलर्स बहुत सारी डिटेलिंग विथ डायलॉग, एक एक सीन को ठोस भरता है वो, उसमें खूबसूरती भरता है, उसको कलरफुल बनाता है, तब जाके डायलॉग स्क्रिप्ट तैयार होती है, फिर एक पूरी बाउंड स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है रेडी टू शूट, और जब वो डायरेक्टर को दी जाती है तो अब डायरेक्टर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने राइटर के प्रति ये बनती है कि राइटर के लेखन के प्रति कोई अन्याय ना हो, उसने जो लिखा है स्क्रिप्ट पे उसे मैं बेहतर स्क्रीन पे दिखा सकूं। कहानी ही तो फिल्म की आत्मा होती है, अगर वही तो फिल्म धड़ाम से गिर जाती है। फिल्म तो एक शरीर शेपअप होता है, बॉडी होता है कि फिल्म कैसी बनेगी, लेकिन जो फिल्म बनेगी उसके अंदर जो फील होता है, जो ऑडियंस को रुला सके, ऑडियंस को हंसा सके, ऑडियंस को 2 घंटे तक अपने साथ बहा सके, वो फिल्म जो दर्शक को महसूस कराए कि ये फिल्म तुम्हारे लिए है, दर्शक महसूस करे अपने आप को उस फिल्म से कनेक्ट करे कि हाँ जी ये फिल्म मेरे लिए है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। राइटर अपनी कलम से लिखकर जब अपने कलम को बंद करता है तो एक डायरेक्टर के लिए कि उस कलम की स्याही जो है वो जाया ना हो, उसको मैं कितना खूबसूरत कैमरे से शूट करके पर्दे पे दिखा सकूं, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अक्सर आपने सुना होगा फिल्म देख के लोग आते और बोलते हैं अरे यार स्टोरी में मजा नहीं था, क्या कहानी में दम नहीं था यार, बेकार फिल्म थी यार। लोग कह देते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि स्टोरी कुछ और लिखी होती है, बट गलती से या नासमझी की वजह से या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से या किसी और वजह से कहानी कुछ और लिखी होती है, शूट कुछ और हो जाती है, और ऑडियंस कहती है कि यार समझ में नहीं आई क्या फिल्म बनी है। यहां डायरेक्टर की जिम्मेदारी है, अगर वो फिल्म सफल हो जाती है तो लोग बोलते हैं क्या डायरेक्शन है यार, कमाल का लिखा है उसने, कमाल का राइटर ने लिखा है, कमाल का परफॉर्मेंस हुआ है, कमाल का डायरेक्शन है, कमाल का म्यूजिक है, लोग तारीफ करते हैं फिल्म की। लेकिन फिल्म अगर औधे मुंह गिर जाए, धड़ाम से फ्लॉप हो जाए, तो ये जिम्मेदारी डायरेक्टर के ऊपर जाती है कि यार डायरेक्टर सही ढंग से काम नहीं कर पाया। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी डायरेक्टर की कि राइटर के साथ बैठ के वो कहानी को बहुत अच्छी तरह से समझे, राइटर को मतलब राइटर की भावना को अपने अंदर आत्मसात कर ले, डायरेक्टर के अंदर किसी कैरेक्टर को लेकर, किसी सीन को लेकर, किसी सीक्वेंस को लेकर, किसी मूड को लेकर किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो राइटर के साथ वो क्लियर कर ले, कंफ्यूज माइंड से वो उस स्टोरी को जो लिखी गई है किसी के द्वारा, किसी मतलब जद्दोजहद में रहकर, मतलब अजीबोगरीब स्थिति में, मानसिक स्थिति में वो शूट ना करे जब तक कि वो पूरी तरह से क्लियर ना हो। इसलिए राइटर डायरेक्टर दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो चलो भैया स्क्रिप्ट भी रेडी हो गई, डायरेक्टर के हाथ में आ गई, अब फिल्म शुरू करनी है। अब फिल्म शुरू करनी है तो डायरेक्टर सबसे पहले लोकेशन देखता है, स्टोरी की डिमांड क्या है, स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है, स्टोरी किस इलाके की या किस स्टेट की या किस परिवेश की है, तो उसके लिए लोकेशन ढूंढना पड़ता है। कुछ तो रियल लोकेशन पर शूट होता है और कुछ सीन जो है उसके लिए आपको सेट बनाने पड़ते हैं। अब यहां पे डायरेक्टर का जो तीसरी जिम्मेदारी है वो उसके आर्ट डायरेक्टर के प्रति होती है। वो आर्ट डायरेक्टर को बुलाता है जो फिल्मों के एम्बियंस को, बैकग्राउंड को, माहौल को, परिवेश को तैयार करता है, जिसे कला निर्देशक कहते हैं। डायरेक्टर आर्ट डायरेक्टर के साथ बैठकर, वो भी एक डायरेक्टर है, आर्ट डायरेक्टर, यह है फिल्म डायरेक्टर,
मतलब एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर के साथ बैठकर जो माहिर है कला के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में, उनसे बैठ के वो डिस्कस करता है कि भाई ये मेरी पूरी फिल्म है, ये स्टोरी है, ये सीन्स हैं, ये एक्टर्स हैं, ये कहानी का मूड है, मुझे इस तरह का लोकेशन चाहिए, हवेली चाहिए, नदी चाहिए, पहाड़ चाहिए, जंगल चाहिए, खंडहर चाहिए, गुफा चाहिए, वन बेडरूम चाहिए, टू बेडरूम चाहिए, पोर्टिको चाहिए, लॉन चाहिए, समुद्र चाहिए, 2 घंटे की फिल्म में ऑडियंस का पैसा वसूल होना चाहिए। लोग बोलते हैं यार क्या बैकग्राउंड था यार, क्या लोकेशन थी यार, क्या पेंटिंग था यार, क्या पर्दे लगे थे यार बड़े बड़े, क्या फ्लोरिंग थी यार, क्या सेट था, आहा मजा आ गया, क्या लोकेशन थी। जब डायरेक्टर अपनी कहानी को बहुत अच्छी तरह से आर्ट डायरेक्टर के दिमाग में फीड कर देता है कि मुझे ये चाहिए, तब आर्ट डायरेक्टर को लगता है कि हाँ मैं अब इसको ऐसे करता हूं। अब आर्ट डायरेक्टर का कमाल यह है कि वो डायरेक्टर की सोच में 4 चांद लगा दे, मतलब डायरेक्टर देखे और बोले वाओ यार मैंने क्या बोला था और तूने तो इससे भी बेटर कर दिया। सफल डायरेक्टर वही है जो अपने आर्ट डायरेक्टर को बहुत अच्छी तरह से समझा सके, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अब आर्ट डायरेक्टर के बाद कि भाई म्यूजिक क्या होगा, म्यूजिक भी तो चाहिए, गाने चाहिए, तो अब डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बैठेगा। ध्यान रखिए, एक फिल्म डायरेक्टर जो डायरेक्टर है, पूरी फिल्म का डायरेक्टर है, वो म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बैठेगा, जो भी डायरेक्टर है वो भी डायरेक्टर है और वो म्यूजिक में माहिर है, वो संगीत को सोचता है, संगीत को महसूस करता है, संगीत में जीता है, वो 24 घंटे उसके दिमाग में लिरिक्स म्यूजिक चलता रहता है। ऐसे गुड़ी आदमी के साथ वो डायरेक्टर बैठते हैं और अपनी कहानी के बारे में उनसे भी वही सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, पूरी चीज़ें, कि सैड सॉन्ग चाहिए, कि इमोशनल सॉन्ग चाहिए, कि मोटिवेशनल सॉन्ग चाहिए, कि रोमांटिक सॉन्ग चाहिए, कि एरोटिक सॉन्ग चाहिए, कि बैकग्राउंड सॉन्ग चाहिए, किस तरह का सॉन्ग चाहिए, कैसा होना चाहिए सॉन्ग, कैसी होनी चाहिए म्यूजिक, मतलब उस कहानी के साथ साथ जो एक म्यूजिकल जर्नी होगी वो कैसी होनी चाहिए। जब ऑडियंस बैठ के थिएटर में उस फिल्म को देखेगी स्क्रीन पे, तो जो सीन चल रहे हैं, जो डायलॉग चल रहे हैं, उसके साथ साथ एक जो म्यूजिक चल रहा है, चाहे बैकग्राउंड म्यूजिक हो, चाहे सॉन्ग का म्यूजिक हो, उसके साथ बह जाए, उसके कान को म्यूजिक खटके नहीं, उसे मजा आए, सुन के अच्छा लगे कि वाओ यार क्या म्यूजिक है। ये दर्शक के मुंह से वाओ सुनने के लिए एक फिल्म का डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बैठ के गहन विचार विमर्श करता है, बहुत गहराई के साथ, और फिर चुने जाते हैं कि भाई क्या लिरिक्स होंगे, और म्यूजिक डायरेक्टर या डायरेक्टर लिरिक्स राइटर को बुलाते हैं, जिन्हें हम गीतकार कहते हैं, जो गीत लिखते हैं, गीत बेचते हैं। अब उनके साथ डायरेक्टर बैठता है, उनके साथ म्यूजिक डायरेक्टर बैठता है, और गीतकार से गीत सुने जाते हैं, एक गीत, दो गीत, 3, 4, 5 गीत, कभी कभी एक गीतकार के बाद दूसरे गीतकार बुलाए जाते हैं, तीसरे, और कभी कभी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब तक हमें वो परफेक्ट सॉन्ग नहीं मिल जाता, जब तक हमें वो परफेक्ट हमारी फिल्म को मैच करने वाला गीत नहीं मिल जाता, तब तक डायरेक्टर साहब और म्यूजिक डायरेक्टर साहब कई गीतकारों से कई गीत सुनते हैं, लाइन लग जाती है लिरिक्स राइटरों की, और एक से एक बेहतरीन गाने लोग सुनाए जाते हैं। गाने खराब नहीं होते हैं, लेकिन वो गाने फिल्म के साथ मैच होना चाहिए, स्टोरी के साथ मैच होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत ही मतलब मैं ये कहूँगा कि बहुत ही मतलब एकदम आत्ममुग्ध होकर, अपने आप को बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड करके,
इस तरह से एक डायरेक्टर अपने म्यूजिक डायरेक्टर दोस्त के साथ बैठकर बहुत सारे लिरिक्स राइटरों को सुनता है और सुनने के बाद गाने डिसाइड होते हैं कि कौन से गाने किस सीन के बाद कहाँ कहाँ पे फिट होंगे, और इसके बाद गानों की रिकॉर्डिंग का सिलसिला शुरू होता है। अब यहाँ डायरेक्टर सोचना शुरू करता है फिर से कि ये गाना इस हीरो के ऊपर या इस हीरोइन के ऊपर पिक्चराइज होगा तो सिंगर कौन होना चाहिए। हालांकि डायरेक्टर ये सारी जिम्मेदारियां म्यूजिक डायरेक्टर के ऊपर छोड़ता है कि भाई ये आप डिसाइड करेंगे, लेकिन फिर भी ये एक डायरेक्टर अपने दिमाग में रखता है कि यार ये गाना अगर कैलाश खेर जी से गवा जाए तो बड़ा मजा आएगा, यार ये गाना सुखविंदर जी से गवाना चाहिए, नहीं नहीं ये गाना अगर गायत्री देवी से गवाया जाए तो कैसा रहेगा, ये अलाप जो है ना, ये अलाप, हाँ ये अलाप जो है ना हमें केके से गवाना चाहिए। डायरेक्टर अपने मन की बात रखता है म्यूजिक डायरेक्टर के सामने, म्यूजिक डायरेक्टर भी मंथन करता है और फिर सिंगर बुलाए जाते हैं, सिंगर डायरेक्टर आमने सामने बैठते हैं और डायरेक्टर जो है सिंगर को मूड बताता है कि सर इसके पीछे क्या सीन है, इसके आगे क्या सीन है, ये जब सीन शूट होगा, ये गाना जब शूट होगा तो कैसे होगा, इसके अंदर कुछ स्पेशल चीज़ें हैं या नहीं हैं, मतलब वो सिंगर को कंफर्ट जोन में लाना चाहता है कि आप ये जो गाना गा रहे हैं तो आपको ये पता हो कि इसके पीछे क्या सीन है, इसके आगे क्या सीन है, और मैं जिस वक्त ये गाना चल रहा होगा उस वक्त किस मूड में मुझे गाना गाना है, क्योंकि सिंगर का भी अपना एक टैलेंट होता है, उसका भी अपना एक इनपुट होता है, उसकी भी अपनी एक एडवाइस होती है, सजेशंस होती हैं, और वो भी अपनी सारी चीज़ों को समझ के तब वो गाना गाता है। इसलिए जब कोई सिंगर का हम गाना सुनते हैं तो बहुत हमें अच्छा लगता है, वो हमें अच्छा इसलिए लगता है कि सिंगर सिर्फ आके गा कर नहीं चला जाता, सिंगर उस म्यूज़िक को पैटर्न को सुनता है, उस म्यूज़िक थीम को सुनता है, उसको महसूस करता है, अपने म्यूज़िक डायरेक्टर से डिस्कस करता है, अपने डायरेक्टर से डिस्कस करता है, और जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है कि हाँ अब इस गाने को मुझे ऐसे गाना है, बस उसकी मेहनत, उसकी लगन, उनकी अपनी आवाज दर्शकों को भा जाती है और गाना हिट हो जाता है। अब ये लिरिक्स पार्ट खत्म, गाने लॉक हो गए, सिंगर के साथ गाने रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अब एक्टर कास्टिंग कि इस फिल्म में हीरो है, हीरोइन है, सेकंड लीड हीरो, सेकंड लीड हीरोइन, हीरो के मम्मी पापा, हीरोइन के मम्मी पापा, विलेन, वैम्प, कॉमेडियन, कैरेक्टर आर्टिस्ट, आइटम सॉन्ग के लिए आइटम गर्ल, बहुत 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 सारे कैरेक्टर्स होते हैं एक फिल्म में। अब इतने सारे कैरेक्टर्स होते हैं, अब इनकी कास्टिंग करनी है। अब यहाँ पे डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपने कास्टिंग डायरेक्टर के साथ बैठकर उसको पूरा का पूरा ब्रीफ दे, एक एक चीज़ बताए कि भाई मुझे जो हीरो चाहिए वो ऐसा चाहिए, हीरोइन जो हो ऐसी हो, ये सीन इस तरह का है तो इस तरह का परफॉर्मर चाहिए, हमारा विलेन इस तरह का होना चाहिए, हमारा कॉमेडियन ये टाइप का होना चाहिए, हमारी खलनायिका जो वैम्पिश रोल करती हो इस तरह की होनी चाहिए, वो ना पूरी डिटेलिंग, मतलब एक किसी के जैसे जीवन का निर्माण किया जाता है ना, वैसे कैरेक्टर के बारे में फिल्म का डायरेक्टर, ध्यान दीजिए, फिल्म का डायरेक्टर कास्टिंग डायरेक्टर से, वो भी डायरेक्टर है, कास्टिंग में माहिर है, एक्सपर्ट है कास्टिंग में, फिल्म का डायरेक्टर कास्टिंग डायरेक्टर से कास्टिंग के लिए कहता है कि भाई इतने सारे मुझे आर्टिस्ट चाहिए, और किस तरह के आर्टिस्ट चाहिए, कैसे आर्टिस्ट चाहिए, क्या उनके अंदर खूबी होनी चाहिए, उनके अंदर क्या कमियां भी होनी चाहिए, मतलब इस कमी का भी एक्टर मुझे चाहिए जो हकलाता हो, महंगा हो,
या जो एबनॉर्मल टाइप का हो, ऐसे भी कैरेक्टर्स आते हैं। रियल कैरेक्टर चाहिए, रियल कैरेक्टर जो एक्टिंग नहीं करें, वो कैरेक्टर ही उनका ऐसा है कि वो पता नहीं चलता कि एक्टिंग करें, अपनी असली जिंदगी में भी ऐसे ही हैं और फिल्म में भी ऐसे ही करें। आजकल ये भी एक फॉर्मेट चल रहा है कि आप रियल रियल बंदे को उठाओ और उसको एक्टर बनाओ। किसी एक्टर को मत बोलो कि आप इस तरह की कॉपी कीजिए, एक्टिंग कीजिए, ना, रियल कैरेक्टर को ही उठाओ, रियल रियल बंदे को उठाओ और एक्टर बनाओ। और ये ढूंढने की जिम्मेदारी कास्टिंग डायरेक्टर की। अब कास्टिंग डायरेक्टर अपने कास्टिंग कोऑर्डिनेटर की हेल्प से या कास्टिंग एजेंट की हेल्प से या पीआरओ के हेल्प से, उनका अपना एक टीम लग जाता है कास्टिंग में। अब वो कास्टिंग शुरू हो गई, वो अपना ऑडिशंस ऑडिशंस लेते रहते हैं, पिक्स, ऑडिशन लिंक और डिटेल जो है वो डायरेक्टर की टीम को भेजा जाता रहता है। डायरेक्टर को चीज़ें दिखाई जाती हैं, डायरेक्टर ऑडिशन लिंक देखता है, पिक्स देखता है, कभी कभी लाइव ऑडिशन के सामने होता है। और एक लंबा प्रोसेस चलता है कि एक बहुत बड़ी फिल्म के लिए या एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए या एक बहुत अच्छे सीरियल के लिए एक्टर्स बहुत दमदार चाहिए, बहुत बढ़िया एक्टर चाहिए, बहुत बढ़िया परफॉर्मर चाहिए, एकदम रियलिस्टिक एक्टर्स चाहिए। तो एक लंबा प्रोसेस होता है कास्टिंग का, तो डायरेक्टर उसमें भी इन्वॉल्व रहता है। अब डायरेक्टर की जिम्मेदारी उसके बाद आती है कि एक्टर कास्ट हो जाएंगे तो उनका ड्रेसअप कैसा होगा, उनका मेकअप कैसा होगा।